स्वागत है आप सभी का एलियन गेमिंग यूट्यूब चैनल में। आज हम माइनक्राफ्ट में अपनी सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और अपनी सर्वाइवल सीरीज काफ़ी आगे तक चलने वाली है। तो सबसे पहले हम अपना वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं और हम अपने वर्ल्ड का नाम रखेंगे 1 2 3 4। और यहाँ पे एडवांस में जाके हम कुछ सीड्स डाल लेते हैं और ये मैं जो सीड्स डालने वाला हूँ ये मैंने बेबू के शॉर्ट वीडियो में से लिए थे। सो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं और मैं आपको मिलता हूँ वर्ल्ड क्रिएट हो जाने के बाद। यहाँ पे अपना वर्ल्ड ओपन हो चुका है और यहाँ पे हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है, स्कैम 2023, क्योंकि हमने जो सीड्स डाले थे वो यहाँ पे आए ही नहीं। तो कोई बात नहीं, हम लकड़ियाँ तोड़ लेते हैं और कुछ बेसिक टूल्स बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट कर लेते हैं और उसमें से हम कुछ वुड के टूल्स क्राफ्ट कर लेते हैं। और आज के इस वाले एरिया में हमें एक विलेज चाहिए, तो हम निकल पड़ते हैं विलेज की खोज में। और यहाँ पे हम बोट बना के हम समुद्र के बीच के तलाश में निकल जाएंगे। ये अपनी बोट क्राफ्ट हो चुकी है। तो निकल जाते हैं हम अपने विलेज की तलाश में। सामने मुझे ढेर सारा कोबलस्टोन दिख रहा है, तो वहाँ पे जाके हम अपने टूल्स को कोबलस्टोन में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ढेर सारे कोल्स और कॉपर भी थे लेकिन मैंने माइन नहीं किए। तो थोड़े बहुत कोबलस्टोन माइन करने के बाद हमें एक पिकैक्स और एक सॉर्ड बना क्राफ्ट कर ली थी। सोनिकल यहाँ पे मुझे आयरन दिख रहे थे तो मैंने उनको माइन कर लिया और यहाँ भी सिर्फ 2 ही आयरन थे। मैंने इधर उधर खोद के देखा लेकिन कुछ भी नहीं मिला। क्या यार, गजब बेइज्जती है। और यहाँ पे मुझे कुछ शिप्स दिख रहे थे सो मैंने उनको मार कर वूल ले ली। मजबूरी है यार, मारना पड़ता है। यहाँ पे दूसरी भी एक सीप दिख रही थी तो उसको भी मैं
मार के मैंने वूल कलेक्ट कर ली और मैं आगे निकल गया। और मुझे फिर पता चला कि अपनी बूट तो वहाँ पर ही है, तो मैं जल्दी से जाकर उस बूट को ले आता हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ आगे शुगर केन्स भी दिख रही थी, तो मैं उनको तोड़ लेता हूँ और आगे चला जाता हूँ। यहाँ पे हमारी बोट रखी हुई थी और मैं भूल गया था, तो मैं उस बोट को लेके फिर से निकल पड़ता हूँ अपने विलेज की तलाश में। सामने मुझे यहाँ पर कुछ आइलैंड दिख रहा था, तो मैं चला जाता हूँ उस आइलैंड के पास और अपनी बूट को तोड़ लेता हूँ और ऊपर आइलैंड पर चला जाता हूँ। अगले वाले वीडियो में इस वर्ल्ड में मैं सिल्डर्स और अपना सर्वाइवल बेस और आयरन आर्मर बनाने वाला हूँ, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर से देखना। और यहाँ पे सामने ही बहुत बड़ा आइस का माउंटेन भी था, लेकिन हमें तो अपने विलेज से मतलब से क्या। और सामने मुझे सीप भी दिख रही थी और यहाँ पे मेरा फूड भी ख़त्म होने वाला था, तो मैंने इस सीप को मार डाला और आगे निकल गया। और अभी यहाँ पर रात होने वाली थी, तो मैं बेड बना लेता हूँ और यार मेरे पास वुड ही नहीं। आपने लापरवाही का नतीजा है। तो मैं चला जाता हूँ कुछ वुड कलेक्ट करने के लिए। और सामने ही मुझे एक ज़ॉम्बी दिखा था, लेकिन हमारा नसीब के वो केव में फिर से चला गया। तो यहाँ पर एक पेड़ था, इससे मैं एक वुड का प्लैंक कट कर लेता हूँ और अपने लिए बेड बना लेता हूँ और जल्दी से सो जाते हैं, वरना हमारे ज़ॉम्बी भाई आके हमको मार डालेंगे। तो यहाँ पे हमारे वर्ल्ड की पहली सुबह हो चुकी है और फिर से हम निकल जाते हैं अपने विलेज की तलाश में। और सामने मुझे कुछ विलेज जर के घर जैसा दिख रहा है और हमें अपना विलेज मिल चुका है।